दोस्तों, जब भी हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका टेली प्राइम भी हो सकता है, वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, अदरवाइज कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर हर टाइप के वाउचर की एंट्री करने के लिए हर वाउचर फिक्स होता है। हर वाउचर का मतलब, जैसे अगर हमें हमारे बिजनेस की कोई परचेज वाउचर की एंट्री अगर हमें करनी हो, तो हम टेली प्राइम में वाउचर के ऑप्शन पे आके हम कीबोर्ड से शॉर्टकट F9 बटन का यूज़ करेंगे, या इस परचेज ऑप्शन पर हम माउस से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये परचेज वाउचर ओपन हो जाता है। अगर हमें सेल वाउचर की एंट्री करनी हो तो हम कीबोर्ड से अगर F8 शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास किसी पार्टी की पेमेंट हमारे पास आ रही है, यानी कि हमें रिसिप्ट हो रही है, तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। और बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अगर हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना हो, या बैंक से पैसा विड्रॉल करना हो, या अगर हमारे बिजनेस की अगर हमारे बिजनेस में दो अकाउंट है बैंक के, अगर आपस में उन दोनों बैंकों की अगर ट्रांजेक्शन हमें करनी हो तो हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, तो हम F7 यानी कि जर्नल वाउचर का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं और क्यों करते हैं, इसका यूज़ कब कब किया जाता है रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात को प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि जर्नल वाउचर का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया है जर्नल वाउचर का। इसमें हम केवल सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे भी जर्नल वाउचर होता क्या है और उसमें किस प्रकार की एंट्री की जाती है। और दोस्तों, हम इसका पार्ट टू, हमने एक जर्नल वाउचर के लिए एडवांस एंट्री का हमने वीडियो तैयार किया है, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रैक्टिकली रूप से जर्नल वाउचर का यूज़ करती है, वो अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए भी वाउचर होते क्या हैं और किसको वाउचर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें भी, जब भी हम हमारी बिजनेस के लिए हम किसी सप्लायर से, यानी कि हम किसी दूसरी कंपनी से कोई सामान परचेज करते हैं हमारी बिजनेस के लिए, तो उस सामान का जो भी ब्यौरा उस कागज के अंदर लिखा आता है वो हमारे लिए एक परचेज वाउचर बन जाता है। वही गुड्स अगर हम हमारे कस्टमर को सेल करते हैं तो वो इनवॉइस हम चाहे मैनुअली रूप से बना के दे रहे हैं, चाहे हम उसे कंप्यूटर से प्रिंट आउट उसका दे रहे हैं उस सामान का, तो वो हमारे लिए सेल वाउचर बन जाता है। हम हमारी कंपनी को जो हमने गुड्स परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट में जो हम उसको पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट के अगेंस्ट में जो हमें एक कागज रिसीव होता है वो हमारे लिए पेमेंट वाउचर बन जाता है। अगर कोई कस्टमर हमें पेमेंट दे के जाता है और उसके अगेंस्ट में जो हम हमारे कस्टमर को जो एक वाउचर इशू करके देते हैं, जिसे हम रिसिप्ट वाउचर बोल देते हैं, अमूमन उसे रसीद बोल देते हैं, तो वो हमारे लिए एक रिसिप्ट वाउचर बन जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न का जो हमने हमारे पास कस्टमर का जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, बेचा हुआ सामान अगर कस्टमर हमें वापस दे जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें कस्टमर को सेल रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट इशू करके देना होता है, वो हमारे लिए वाउचर है। अगर हमने कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट हमने मंगाया है और उस प्रोडक्ट को हमने कंपनी को वापस कर दिया, तो हमारे लिए एक डेबिट नोट का वाउचर वो बन जाता है। तो लेकिन जर्नल वाउचर में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो हमें बिना वाउचर के करनी पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम जल्दी से इस पे निगाह मारेंगे भी टेली सॉफ्टवेयर में वाउचर की कमांड कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, वाउचर की पोस्टिंग करते हैं, तो F2 की कमांड होती है डेट बदलने के लिए। F4 वाउचर यूज होता है, कॉन्ट्रा वाउचर जिसे हम बोलते थे, इसमें बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि बैंक से ट्रांजेक्शन का मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना, या फिर बैंक से कैश विड्रॉल करवाना, या फिर अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस में दो बैंक हैं, यानी कि दो हमें अलग अलग अकाउंट में लेजर हमने ओपन करवाए हुए, अगर उनकी आपस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में F5 यानी कि पेमेंट वाउचर हम यूज़ करते हैं। तो पेमेंट वाउचर का यूज़ कब किया जाता है, नकदी व बैंक से भुगतान संबंधित, यानी कि जब हम किसी सप्लायर्स को या किसी कस्टमर को या किसी खर्चे के अगेंस्ट में हमें कोई भुगतान करना हो तो हम
पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें नकदी या बैंक के द्वारा कोई पैसा प्राप्त हो रहा हो, या हमें किसी टाइप की कोई अदर इनकम हमें कैश में या बैंक के थ्रू प्राप्त हो रही है, तो भी हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है F7 यानी कि जर्नल वाउचर। तो इस जर्नल वाउचर का यूज़ हम क्या करते हैं? सप्लायर या कस्टमर के खाते में एडजस्टमेंट करने से संबंधित। तो दोस्तों हम इस बात को प्रैक्टिकली समझेंगे कि जैसे कि टैक्स फ्री क्रेडिट नोट हो गया या डेबिट नोट हो गया, इंटरेस्ट का ये हमें कोई रिसीव हो रहा है या हम कोई पे कर रहे हैं, डिस्काउंट हमें कोई रिसीव हो रहा है या डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो एडजस्टमेंट होती है वो जर्नल वाउचर में करी जाती है। और उसके बाद में F8 यानी कि सेल वाउचर, ट्रेडिंग सामान बेचने से संबंधित या सर्विस सेल करने से संबंधित, यानी कि जो भी हमने गुड्स परचेज करते हैं, जिस टाइप का हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से संबंधित जो भी हम गुड्स पर सेल करते हैं उसके लिए हम F8 यानी कि सेल वाउचर का यूज़ करते हैं। और ट्रेडिंग सामान खरीदने से संबंधित यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं उसकी जो एंट्री हम करते हैं F9 यानी कि परचेज वाउचर में। तो दोस्तों हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये वाउचर मिलेंगे मिलेंगे। उनकी जो शॉर्टकट कमांड है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि टेली में F9 शॉर्टकट है परचेज वाउचर के लिए, तो हो सकता है आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके परचेज वाउचर की शॉर्टकट कमांड है जो F7 हो सकती है, F8 हो सकती है या अदर कोई भी हो सकती है। उसके लिए बाद में हम क्रेडिट नोट वाउचर यानी कि कंट्रोल प्लस F8 सेल रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम कस्टमर को जो सामान बेचा हुआ है और बेचा हुआ सामान अगर हमारे पास वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं, या फिर जो कोई टैक्सेबल डेबिट नोट होता है उसका एडजस्टमेंट भी हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। और उसके बाद में कंट्रोल प्लस F9 यानी कि डेबिट नोट वाउचर। ये डेबिट नोट वाउचर परचेज रिटर्न से संबंधित हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हमने कोई गुड्स परचेज किया हुआ है उसका जो रेट डिफरेंस होता है उसके अगेंस्ट में हमें कोई टैक्सेबल क्रेडिट नोट मिलता है तो उसकी एंट्री भी हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। तो अब दोस्तों मेन बात हम करेंगे कि जर्नल वाउचर में किस प्रकार की ट्रांजैक्शन करी जाती है। तो दोस्तों सिंपल तरीके में सबसे पहले तो हमें इस बात पता होना चाहिए कि जर्नल वाउचर में हम वही ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हमारी बुक्स की न तो कोई कैश के बैलेंस पे कोई इफेक्ट आ रहा हो, न ही कोई बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आ रहा हो। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारी कैश या बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब बैंक से ट्रांजैक्शन, तो अगर हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं या परचेज हम कर देते हैं क्रेडिट में यानी कि उधार में परचेज या सेल करते हैं तो भी हमारे कैश पे या बैंक पे इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई डिस्काउंट एंट्री। अब डिस्काउंट हमें हमारे कस्टमर को देना हो तो भी हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है किसी क्रेडिट नोट के थ्रू तो उसकी एंट्री भी हम जर्नल वाउचर में करते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री, यानी कि अगर हमें हमारे कस्टमर से इंटरेस्ट लेना हो तो भी हम उस जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी पार्टी को इंटरेस्ट पे करना हो तो भी हम इस जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। राउंड ऑफ ऑन का यूज़ करने के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में CGST, SGST, IGST टैक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सारी एंट्री आपको मैं प्रैक्टिकली रूप से करके बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करी जाती है। हम एक बार इनका व्यू देख लेते हैं भी कितने टाइप की एंट्री हैं जर्नल वाउचर में अमूमन हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। और उसके बाद में टू लेजर रिवर्स एंट्री, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर सिस्टर कंसर्न फर्म से अगर हमने कोई गुड्स परचेज करते हैं, डिफरेंस उनकी ब्रांचें होती हैं अलग अलग शहरों में, अगर उनका बैलेंस हमें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना हो तो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन हमने जो हमारे फिक्स्ड असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसकी एंट्री भी हम जर्नल वाउचर में करते हैं। उसके बाद में सैलरी रिवर्स की एंट्री भी हम जर्नल वाउचर में करते हैं। उसके बाद में शॉप एंड गोडाउन रेंट की इनकी एंट्री भी हम रिवर्स की जो एंट्री करते हैं उसकी एंट्री में जनरल वाउचर में करते हैं। और उसके बाद में जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको भी हम जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़े, कोई खर्चा भी हो सकता है, अदरवाइज कोई गवर्नमेंट लाइबिलिटीज भी हो सकती है, अगर उसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए भी हम जनरल वाउचर का भी यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर इसमें कोई एक या कोई दो वाउचर हो ऐसे नहीं होते जो पर्टिकुलर जनरल वाउचर में होते, बहुत सारी ऐसे ट्रांजेक्शन होती है जो जनरल वाउचर में ही हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें
डिस्काउंट एंट्री की। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने बिल्कुल बेसिक लेवल का एक वीडियो बनाया है जर्नल वाउचर को समझने के लिए। अब उसकी जो एडवांस के लेवल की जो एंट्री होगी उसका हमने पार्ट टू वीडियो तैयार किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो दोस्तों अगर हम बात करें डिस्काउंट एंट्री की, यानी कि अगर हमें कस्टमर को डिस्काउंट देना हो या हमें मिला हो तो उसकी जर्नल वाउचर में हम उसकी एंट्री करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, अब जैसे ये है, अब स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को ये ₹50 का एक डिस्काउंट इशू किया है और उसके अगेंस्ट में स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को ये क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो दोस्तों अगर ये तो स्मार्ट इंटरप्राइजेज की तरफ से इशू किया हुआ है, तो अगर हम इस वाउचर की चाहे एंट्री, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की कोई जीएसटी की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जिस वाउचर में कोई जीएसटी से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो वो वाउचर हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों हम सबसे पहले तो उस पार्टी का लेजर का स्टेटमेंट हम देखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, उसके बाद में अकाउंट्स बुक पर और उसके बाद में लेजर पर। अब हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का, हमारे पास कस्टमर है, आप देख रहे हो हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को ये की सेल इनवॉइस इशू किया हुआ है और इसकी अमाउंट है ₹44,500। अब आप देखते हो ये इसकी ट्रांजैक्शन वाउचर है वो। तो दोस्तों अगर हम हमें इसे ₹50 का डिस्काउंट देना है, अगर हम चाहते, अगर इस इनवॉइस में अगर हमने इसको डिस्काउंट दे दिया होता तो हमें अलग से वाउचर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इसके लिए ₹50 का जो हमने डिस्काउंट इशू किया है, इसके लिए हमने अलग से क्रेडिट नोट इशू किया है, तो इसकी एंट्री भी हम जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे वापस वाउचर पे और अब हम जर्नल वाउचर का शॉर्टकट यूज करेंगे F7। F7 करते हैं, यहाँ पे जर्नल वाउचर आएगा और उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बाई भी हो सकता है या ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने डेबिट का भी आ सकता है। अगर आपके पास बाई या टू आ रहा है, अगर आप इसे सी या डी आर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसी वाउचर पर रहते हुए कीबोर्ड से प्रेस करना है F12, यानी कि कॉन्फिगर। तो जैसे ही आप कॉन्फिगर करोगे तो आपके सामने ये पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूज CRDR इंस्टेड टू टू बाई डूरिंग वाउचर एंट्री। तो आप इसको यस करोगे तो अब आपको टू बाई की जगह CR और DR का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम इसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो अब देख रहे हो यहाँ पे पहले बाई आ रहा था, अब यहाँ पर इसकी जगह DR ऑप्शन आ गया, यानी कि डेबिट किसको करना है। तो दोस्तों डेबिट हम किसको करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो बुक्स है वो है स्मार्ट इंटरप्राइजेज के नाम से और ये जो वाउचर इश्यू किया हुआ है वो भी स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने किया हुआ है, तो यानी कि ये क्रेडिट नोट स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने किया है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को। तो यानी कि स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब बालाजी ट्रेडिंग कंपनी अपनी बुक्स में स्मार्ट इंटरप्राइजेज को डेबिट करेगा। तो अब इसकी जो जनरल एंट्री जो बनने वाली है वो इसकी एंट्री हम करेंगे। अब हमने इस बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमारे लिए एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन चुका है। तो अब इसके लिए यहाँ से एक लेजर क्रिएट करेंगे शॉर्टकट Alt+C से, अगर हमारे पास ऑलरेडी नहीं बना हुआ है तो हम Alt+C प्रेस करेंगे और उसके बाद में डिस्काउंट पेड के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे और इसका ग्रुप हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और उस पर हम किसी टाइप की कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो हम इस जीएसटी एप्लीकेबल को करेंगे नॉट एप्लीकेबल और इसको करेंगे एक्सेप्ट और उसके बाद में ₹50 करेंगे डेबिट और उसके बाद में अब ऑप्शन ही आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा CR का, यानी कि अब आपको क्रेडिट किसको करना है, हम क्रेडिट करेंगे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को और उसके बाद में आपसे ये ऑप्शन पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब आपने जो ₹50 जो एडजस्टमेंट कर रहे हो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर हमने एक ही इनवॉइस ये इशू किया हुआ था, इनवॉइस नंबर 2 का था, 2 जनवरी 2021 का था और ये ₹44,500 का इनवॉइस था। तो हम इस इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसका नरेशन लिख सकते हैं भी ये जो डिस्काउंट हमने जो दिया है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को, इसका देने का रीज़न क्या है। तो हम एक बार इसका हिंट दे देते हैं, टारगेट इंसेंटिव और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो
इस तरीके से ये जर्नल वाउचर की एंट्री हमने इसके लेजर में पोस्ट करी है, क्योंकि हम इस जर्नल वाउचर से इस पे कोई कैश पे और बैंक बैलेंस पे कोई किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो हम एक बार उस पार्टी का लेजर हम देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर, और उसके बाद में बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन करेंगे। तो अब ये जो 50 रुपये का हमने डिस्काउंट इसको पे किया था और हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट भी किया, तो अब इसका इफेक्ट है जो यहाँ पर आएगा, यानी कि अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 44,450 रुपये और 5 पैसे का रह गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जर्नल वाउचर का यूज करके इंटरेस्ट की एंट्री भी हम कर सकते हैं। कोई हमने कोई इसके अलावा अदर से कोई डिस्काउंट पे किया है, अगर हम कमीशन पे करते हैं तो दोस्तों कमीशन की एंट्री स्पेशल अलग तरीके से होती है, क्योंकि जब हम कमीशन किसी को पेड करते हैं तो उसकी हमें TDS की लायबिलिटी भी बन जाती है, तो उसकी TDS की एंट्री आपको मैं अलग से बताऊंगा। हम इसमें इस जनरल वाउचर में अभी एक बार कमीशन का वर्ड का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक अलग कॉम्प्लेक्स के अंडर में आता है। तो हम इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे इंटरेस्ट एंट्री। अब जैसे कि हमने इस कस्टमर को ये जो सामान हमने सेल किया हुआ है, अगर हमें इसे इंटरेस्ट लेना हो यानी कि ब्याज हमें लेना हो, तो ब्याज की एंट्री भी हम इसी प्रकार की करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम एंट्री देखेंगे। वाउचर एंट्री हम जाएंगे, अब हमें इंटरेस्ट पार्टी से लेना है, तो यानी कि हमें पार्टी को अब डेबिट करना पड़ेगा, तो हम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को करेंगे डेबिट, और उसके बाद में यहाँ पर उसका अमाउंट कितने रुपए हमें ब्याज मिल रहे हैं। मान लीजिए हमें 1000 का ब्याज हमें मिला है, तो हम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को 1000 रुपये से डेबिट करेंगे, और उसके बाद में अब यहाँ पर हम रखेंगे इसका न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस में यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटरेस्ट का, और उसके बाद में क्रेडिट। अब क्रेडिट हमें इंटरेस्ट है जो लेना है, तो हम इसको करेंगे LC से यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट काउंट रिसीव्ड का, और ये हमारी बिजनेस से अब इनडायरेक्ट इनकम बन चुकी है, तो हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। GST इस पर कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं भी मंथली इंटरेस्ट, अगर आपने मंथली लिया है, ईयरली लिया है, 6 मंथ का लिया, जो भी लिया, आप उसका नरेशन है जो इस ऑप्शन में लिख सकते हैं हम, और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से अगर हम इसका पार्टी का वापस हम स्टेटमेंट देखेंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को, तो अब आप देख रहे हो जो जो हमने इंटरेस्ट की एंट्री करी थी वो इसके खाते में डेबिट हो चुकी है, और 50 रुपये का इसका जो डिस्काउंट हमने दे दिया था वो क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो थी बिल्कुल सिंपल एंट्री है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CGST SGST को, डेप्रिसिएशन की एंट्री को, 2 लेजर्स यानी कि 2 आपस की कोई सिस्टम कंसर्न्स के लेजर को जो बैलेंस है उसका ट्रांसफर करने के लिए, उसके बाद में सैलरी की रिवर्स एंट्री और शॉप को डाउन की जो एंट्री होती है उनको रिवर्स हम किस तरीके से करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इस जर्नल वाउचर के पार्ट 2 का वीडियो। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।